अभी जस्ट 5 मिनट पहले हम चॉकलेट फॉन्ड्यू की रेसिपी कंप्लीट करके हटे और चॉकलेट फॉन्ड्यू का गनाश बच गया। अब मैंने सोचा यार चॉकलेट फॉन्ड्यू तो वेस्ट करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, और वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बांट देते हैं खाना, और चॉकलेट फॉन्ड्यू बांटना मैं तो नहीं बांटता। तो मैंने सोचा चॉकलेट फॉन्ड्यू के साथ एक ऐसी मिठाई बनाई जाए जो आप दिवाली पे अपने गेस्ट को खिला सकते हैं, और बहुत ईजी बन जाती है। चॉकलेट फॉन्ड्यू प्लस 2 मोर इन्ग्रीडियंट्स। शुरू करेंगे इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और चॉकलेट फॉन्ड्यू बनाया था ते काट फुल्ला ते खेडन लग पी, क्योंकि चॉकलेट फॉन्ड्यू बनाया था। मैं कह रहा नज़ारेदार डिश है ते इनू वंडन दा जां वेस्ट करन दा बिल्कुल जी नहीं करदा। मैं कह इहदे नाल एक होर रेसिपी बनाउने आ, ये है डेसिकेटेड कोकोनट, और हम बना रहे हैं चॉकलेट कोकोनट लड्डू विद चॉकलेट फॉन्ड्यू। शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले डेसिकेटेड कोकोनट को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, बट ड्राई रोस्ट करने से एक तो वो ऑफ स्मेल चली जाती है, एंड सेकेंडली वो नटी अरोमा रिलीज हो जाता है, इसीलिए ड्राई रोस्ट करना मेरे लिए कंपलसरी है। आप अवॉइड करना चाहें अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ड्राई रोस्ट कर लें, ठीक है जी। अब जब तक मैं ड्राई रोस्ट कर रहा हूं तब तक आप चॉकलेट फॉन्ड्यू बनने के क्लोजअप्स देख लीजिए, ठीक है जी। बाकी अगर पूरी डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आई बटन पे चले जाइए। तो जी ये ड्राई रोस्ट हो चुका है नारियल, अब गैस करते हैं बंद और ये नारियल को एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। अभी ये हल्का हल्का गर्म है, अगर आप इतनी हीट बेयर कर सकते हैं तो अपने हाथ इसमें डाल लीजिए, वरना फिर आप इसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए और फिर काम कीजिए। इसमें जाएगा ये फॉन्ड्यू। अब थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, ये ऑप्शनल है। अगर आपको शुगर फ्री बनाना है, मतलब सिर्फ जो चॉकलेट के अंदर शुगर है वो ही डालनी है, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं, बट चॉकलेट और कोकोनट के लड्डू ना थोड़े से ज़्यादा मीठे ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। अब इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद लड्डू शेप करेंगे। अब मिक्स करने के बाद गोले बनाने से पहले हल्के से हाथ ग्रीस कर लें। अब थोड़ा सा पोर्शन लीजिए जितने बड़े आपने लड्डू बनाने हैं और फिर लड्डू बना लीजिए। अब देखिए लड्डू बन गए। इसको गार्निश करने के लिए हल्का सा नारियल में कोट कर लेंगे। ये लीजिए लड्डू तैयार है। अब ऐसे ही हम बाकी के लड्डू बना लेंगे और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अगर आपके पास चॉकलेट फॉन्ड्यू रेडी है तो, अगर रेडी नहीं है तो आपको लगेंगे 10 मिनट। तो 10 मिनट की तो बात है, और अगर आपके घर पे कोई अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए हैं जो आपको गिफ्ट देने आए हैं और आपने कुछ मुंह मीठा कराना है, तो मुंह मीठा कराने के लिए ये रेसिपी अल्टीमेट है, तो व्हाई नॉट ट्राई इट। जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।